सो गाइज ये है आज मेरे पास में टेक्नो कैमोन 20 प्रो 5G स्मार्टफोन। इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका डिटेल रिव्यू आपको देने वाला हूँ। ये फोन जो है आपके लिए एक बेस्ट 5G फोन है या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये रहा मेरे पास में बॉक्स, जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अभी। सो गाइस ओपन करते ही सबसे पहले हमें ऊपर देखने के लिए मिल जाता है फोन। इसको फिलहाल मैं अभी बाहर की साइड निकाल लेता हूँ, साइड में रख देता हूँ, और ये देखते हैं अंदर क्या है। तो सबसे पहले गाइस हमें ऊपर देखने को मिल जाते हैं ये यूजर मैनुअल गाइड्स वगैरह, और इसके नीचे दिए गया है ट्रांसपेरेंट केस। इसको गाइस मैं भी बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा मैट फिनिश वाला ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है जो की काफी अच्छी क्वालिटी का है। और गाइस यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है एक टेक्नो का अडेप्टर, सब कुछ आगे बताऊंगा कितने वोल्ट का है, चार्जिंग वगैरह सब कुछ। और ये हमको गाइस देखने मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल, एंड ये इसके अंदर एक छोटा सा सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। तो गाइस फिलहाल सारी चीजों को बॉक्स वॉक्स को सब साइड में रख देते हैं, फोन को एक्चुअल में देखते हैं कैसा लगता है। तो फिलहाल मैं इसको अभी अनरैप कर लेता हूं एंड आपको दिखाता हूं। सो गाइस डिजाइन देखो, पीछे की साइड से ना पूरा ही लेदर फिनिश में यार, ज्योमेट्री वाला डिजाइन है जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है। एंड गाइस अगर पास से देखो तो काफी टेक्सचर वाला पीछे डिजाइन देखने मिलता है जो कि काफी अच्छा लगा मुझे तो। एंड गाइस यहाँ पे आप कैमरा मॉड्यूल देखो, कुछ अलग सा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े दो कैमरा मॉड्यूल है, उसी के साथ में एक अलग सी ऑक्टा रिंग फ्लैश लाइट देखने मिल जाती है जो की कुछ अलग दिखाती है फोन को। फोन जो है ना हाथ में काफी ज्यादा स्लिम लगता है क्योंकि इसमें 7.79 mm की सिर्फ थिकनेस है। वेट की बात करो 93 ग्राम इसका वेट है, एंड यहाँ पे ना पूरी फ्लैट साइड्स आपको देखने मिलती है। तो ग्रिप जो है हाथ में काफी ज्यादा अच्छी आती है क्योंकि ये फोन जो है काफी ज्यादा पतला है। एंड गाइस यहाँ पे ना नीचे की साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है, यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने मिल जाता है, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन देखने मिल जाता है, 3.5 mm जैक है। ऊपर की साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है, डुअल स्पीकर्स हैं इसके अंदर, एंड यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन का माइक देखने मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे गाइस यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम कार्ड ट्रे देखने मिल जाती है। ओवरऑल डिजाइन की बात करूं काफी अच्छा डिजाइन, बहुत ही प्रीमियम लगता है ये फोन हाथ में। एंड गाइस अगर बात करें ना डिस्प्ले की, यहाँ पे गाइस आपको 6.6 इंच की AMOLED फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड गाइस यहाँ पे ना आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाती है। डिस्प्ले जो है काफी ज्यादा स्मूथ चलती है क्योंकि इसके अंदर ना 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। वैसे डिस्प्ले के बेजल्स वगैरह भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, चिन वगैरह आप देख सकते हो कितनी कम दी गई है। तो ये डिस्प्ले जो है ना काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, सेंटर पंच होल के साथ में आती है जिससे फोन की डिस्प्ले और भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। 800 निट्स की इसके अंदर पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है, इंडोर या आउटडोर कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कलर्स वगैरह जो है काफी अमेजिंग आते हैं क्योंकि AMOLED डिस्प्ले के कलर्स जो है काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, एंड हमने काफी सारी वीडियोस वगैरह प्ले करके देखी थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे कलर्स आते हैं, मुझे तो काफी ज्यादा कमाल के लगे। एंड ये 10W डिस्प्ले है तो कलर्स और भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड गाइस यहां पे आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया है। एंड गाइस प्रोसेसर की बात करें, इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 8050 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ना इस टाइम पे पहली बार इस फोन में आया है। एंड गाइस ये जो चिपसेट है ना बहुत ही बढ़िया चिपसेट है, इसके साथ में आप गेमिंग वगैरह भी काफी ज्यादा तगड़ी कर पाओगे। हाई सेटिंग्स पे आप कोई भी गेम वगैरह खेल सकते हो, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आए। 6 लाख प्लस अंतुतु स्कोर जाता है तो काफी अच्छा स्कोर जाता है, कुछ भी आपको दिक्कत इस प्रोसेसर के साथ में नहीं आने वाली है। एंड गाइस नॉर्मल लाइफ में तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल टास्क तो बहुत ही अमेजिंग हो जाते हैं। फोन जो है काफी ज्यादा स्मूथ चलता है इस प्रोसेसर के साथ में, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। OS और UI की बात करें, यहाँ पे गाइस आपको Android 13 देखने मिल जाता है जो कि बेस्ड है iOS 13 पे। एंड अपडेट्स वगैरह की बात करें, टेक्नो की साइड से कितने अपडेट्स इसमें देखने को मिलेंगे, तो एक साल के आपको मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि Android 14 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, मेजर अपडेट कम से कम 2 ईयर के होने चाहिए थे पर इन्होंने 1 ईयर के सिर्फ दिए, Android 14 आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज वगैरह की बात करूं, यहाँ पे गाइस आपको ये फोन जो है ना मेरे पास में 128GB 8GB वाला वेरियंट है, एंड 8GB के साथ में 8GB और वर्चुअल रैम देखने मिल जाती है, 16GB आपके फोन में रैम हो जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रहने वाली है 16GB के रैम के साथ में। बाकी बात करें रैम टाइप क्या देखने के लिए मिलने वाला है, LPDDR4X रैम टाइप देखने मिलने वाला है, UFS 2.1 आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलने वाली है इस फोन के अंदर। एंड गाइस अगर इस फोन के कैमरा की बात करी जाए ना, यहाँ पे गाइस आपको 64 MP का मेन कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है जो कि OIS के साथ में आता है। वैसे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 2 MP
मेगापिक्सल का एक मैक्रो दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। फोटोज वगैरह की बात करें, कैसे फोटोज वगैरह आ जाते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हो हमने काफी सारे फोटोज वगैरह क्लिक करके रखे हुए हैं। फोन जो है ना काफी वाइब्रेंट से फोटो क्लिक करता है, मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगे इसके फोटोज। आप देख सकते हो कैसे फोटोज वगैरह आते हैं स्क्रीन पे, ऐसे सारे क्लिक्स आपके आ जाएंगे जब इस फोन से फोटोज वगैरह क्लिक करोगे। एंड गाइस यहाँ पे ना AI कैमरा जो है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा वर्क करता है, पोर्ट्रेट में भी काफी ज्यादा अच्छे फोटोज आ जाते हैं, DSLR लाइक फोटोज इसमें आप क्लिक कर पाओगे, बहुत ही अमेजिंग इसका कैमरा है। एंड गाइस बात करें फ्रंट कैमरा की, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, उससे सेल्फीज वगैरह जो है काफी शाइनी आ जाती है क्योंकि इसका नाम ये है 32 मेगापिक्सल का शाइनिंग सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है, तो काफी अच्छी सेल्फीज वगैरह आ जाती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कैसे फोटोज वगैरह आ जाते हैं, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका फ्रंट कैमरा भी। एंड गाइस बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, मेन वाला जो कैमरा है ना उसके अंदर आपको 4K 30fps का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, एंड जो फ्रंट कैमरा है ना उसके अंदर आपको गाइस 2K 30fps का ऑप्शन दिया गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी बढ़िया हो जाती है। एंड गाइस बात करें सेंसर्स वगैरह की, इस फोन में आपको सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, उसी के साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये फोन जो है ना फेस अनलॉक के साथ में भी आता है, तो फेस अनलॉक जो है बहुत ही तगड़ा काम करता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है वो भी बहुत ही स्मूथ चलता है, बिल्कुल एकदम से खुल जाता है फोन, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में। एंड गाइस बात करें बैटरी की, 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, उसी के साथ में 33W का अडैप्टर फोन के साथ में आता है, 33W की ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 67 का एटलीस्ट चार्जर दे देते तो और भी अच्छा हो जाता है, या फिर इससे कम दे सकते थे 45W का, पर इन्होंने यहाँ पे 33W का दिया है, चार्जिंग को और ज्यादा अच्छी कर सकते थे, पर 5000mAh की बैटरी है तो एक दो दिन आराम से चल जाएगी, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एंड गाइस अगर आप मल्टीमीडिया की बात कर लेना, देखो डिस्प्ले तो कमाल है ही, एमोलेड डिस्प्ले, कलर्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं, उसी के साथ में ना वाइड बैंड L1 का सपोर्ट नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो HD कंटेंट आप नेटफ्लिक्स पे देख पाओगे बिना किसी दिक्कत के। बाकी इसके अंदर ना स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, तो आवाज वगैरह जो है फोन के स्पीकर्स से बहुत ही कमाल की आती है, 12 स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कंटेंट कंज्यूम करने में बहुत ही मजा आपको आने वाला है। सो यही था टेक्नो गेमर 20 प्रो 5G स्मार्टफोन, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ, काफी तगड़ा फोन है, इस फोन को परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, कैसा लगा कमेंट करके सब कुछ बता देते ना। वीडियो पसंद आई वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर यार पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर भी ना मत जाना, सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।